नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म के 13वें दिन की कथा। अध्याय 13 में सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति, शिवजी से जलंधर का घोर संग्राम करना। नारद जी बोले, हे राजन, जलंधर अपने दूत से यह सुनकर क्रोधित होकर करोड़ों दैत्यों को साथ लेकर जल्दी से चल दिया। चलते हुए मार्ग में उसे शुक्र और राहु दिखाई दिए। जल्दी के कारण जलंधर का मुकुट पृथ्वी पर गिर गया और वह स्वयं भी फिसलकर गिर पड़ा। दैत्यों की सेना के सैकड़ों विमान आकाश में ऐसे छा गए जैसे वर्षा ऋतु में बादल छा जाते हैं। तब उसके उद्योग को देखकर इंद्रादिक सब देवता छिपकर शिवजी के पास गए और बोले, हे स्वामी, क्या आप हम देवताओं की इस विपत्ति को नहीं जानते हैं? हे देवेश, आप इस दुष्ट जलंधर का वध कर हमारी रक्षा करो। इस प्रकार देवताओं के वचनों को सुनकर महादेव जी ने हंसकर विष्णु भगवान को बुलाकर कहा कि आपने संग्राम में जलंधर को मारा क्यों नहीं? उल्टे आप तो अपने वैकुंठ धाम को छोड़कर उसी के घर में जा बसे हो। विष्णु बोले, हे भूत भावन, आपके अंश से उसका जन्म हुआ है और लक्ष्मी जी का भ्राता है, इसलिए उस दैत्य को मैं नहीं मार सकता। आप ही उसका वध करिए। शिवजी ने कहा, यह बड़ा तेजस्वी है, इन शस्त्रों से मेरे हाथ से नहीं मरेगा, इसलिए तुम सब देवताओं सहित अपने तेज का कुछ अंश मुझे शस्त्र बनाने के लिए दो। नारद जी बोले, तब सब देवताओं ने अपने अपने तेज दे दिए और जब वह सब तेज मिलकर एक हो गए तब फिर महादेव जी ने उसमें अपना तेज छोड़ा। तत्पश्चात महादेव जी ने उस तेज समूह की प्रचंड ज्वालाओं से एक भयंकर शस्त्र सुदर्शन चक्र बनाया। बाकी शेष बचे तेज से इंद्र ने वज्र बना लिया। तब तक करोड़ों हाथियों, रथ और घोड़ों समेत जलंधर कैलाश के पास की भूमि में दिखाई पड़ने लगा। उसको देखते ही सब देवता जैसे आए वैसे ही छुपकर चले गए तथा शिवजी के गण, नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिक आदि सब देवता महादेव जी की आज्ञा से युद्ध के लिए कैलाश से नीचे उतरे। फिर कैलाश के पास की भूमि में देवताओं और दैत्यों का अस्त्र शस्त्र से भयंकर युद्ध होने लगा। वीरों को प्रसन्न करने वाली भेरी, मृदंग और शंख तथा हाथी, घोड़ा और रथ के शब्दों से भूमि शब्दायमान होती हुई कांपने लगी। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, फरसा, कुलिश आदि अस्त्रों शस्त्रों से आकाश ऐसा लगता था मानो उल्काएं इधर उधर विचरण कर प्रकाश कर रही हों। युद्ध में मरे हुए हाथी, घोड़ों से पृथ्वी ऐसी लगती थी मानो वज्राघात से पर्वतों के शिखर गिरे हुए हों। शिवगणों द्वारा युद्ध में मारे गए दैत्यों को मृत संजीवनी देकर शुक्राचार्य बार बार जीवित करने लगे। उनको देखकर देवों ने शिवजी के पास जाकर शुक्राचार्य का सब चरित्र कहा। तब महादेव जी के मुख से एक भयंकर कृत्या राक्षसी निकली, जिसकी ताड़ के वृक्ष के समान भयंकर जांघ तथा गुफा के समान मुख था। उसके हाथ पैरों से वृक्ष पीड़ित होने लगे। वह युद्ध में आकर असुरों का भक्षण करने लगी और शुक्राचार्य को लेकर आकाश में अंतर्ध्यान हो गई। तब शिवगण शुक्राचार्य को पकड़ा हुआ देखकर आनंदित होकर और वेग से दैत्यों को मारने लगे। शिवजी के गणों की मार से भयभीत दैत्यों की सेना ऐसे छिन्न भिन्न हो गई जैसे वायु के वेग से तृण समूह बिखर जाते हैं। शिवगणों के भय से भागी सेना को देखकर सेनापति निशुंभ, शुंभ और कालनेमी ये भी क्रोध करके युद्ध में गए। वर्षा के बादलों की तरह इन तीनों दैत्यों ने वाणों की वर्षा कर शिवजी की सेना को घेर लिया। दैत्यों के बाण समूह टिड्डी दल की तरह आकाश में छा गए। तब शिवजी के गण भी कांपने लगे। सैकड़ों बाणों से घायल हुए गणों के शरीर से रुधिर इस प्रकार बहने लगा मानो बसंत ऋतु में टेसू का वृक्ष फूलों से खिला हुआ दिखाई देता हो। उस समय गिरे पड़े वे सब गण
तितर बितर होकर युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। तब नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिक अपने सेना को भागी हुई देखकर क्रोध करके वेग से दैत्यों को रोकने लगे। इति श्री कार्तिक मास महात्म त्रयोदशी अध्याय संपूर्ण।